नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बदलते दौर में हमारे आसपास काफी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतें भी। बचपन से युवा व्यवस्था तक शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह ऊर्जा कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। महिलाओं में स्थितियां थोड़ी ज्यादा जटिल होती है। बढ़ती उम्र की एक ऐसी ही बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हार्ट डिजीज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बीमारी है। यह बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। इस बीमारी में हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती है। यदि यह बीमारी बढ़ जाए तो रोगी चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। महिलाओं में इस बीमारी का मुख्य कारण मासिक धर्म के चक्र का टूटना था। पुरुषों में कैल्शियम की कमी इसका मुख्य कारण है। संतुलित आहार, व्यायाम और डॉक्टरों के परामर्श से काफी हद तक इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए आपको बता देते हैं क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, यह कैसे होती है और इससे बचाव के तरीकों पर देखें करनाल से तरुण मदान की एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको ये बताना, आज मैं किसी एक गंभीर मुद्दे पे आपसे बात करने के प्रयास करूंगा और एक हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जो कि करनाल के सामान्य रोग विशेषज्ञ, सामान्य रोग अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जो पिछले कई सालों से समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं और लोगों को निःशुल्क परामर्श के साथ साथ निःशुल्क उपचार भी दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ वाले जीवन में आज हर कोई हड्डी रोग से लेकर किसी न किसी हड्डी रोग से पीड़ित है। भले युवा वर्ग हो, भले वो बुजुर्ग हो, भले वो महिलाएँ हों। अगर युवा वर्ग है तो कंप्यूटर पर बैठे बैठे उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। 40 से अधिक उम्र के बाद, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, सुना भी था कि औरतों के अंदर और पुरुषों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस कारण कोई ना कोई समस्या से वो ग्रस्त रहते हैं। आखिर ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं और आधुनिक जीवन शैली लोगों के स्वास्थ्य पर क्यों भारी पड़ रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सामान्य अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कमल। और इनके बारे में एक विशेष जानकारी और मैं आपको दे दूँ कि ये पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 28 सालों से समाज सेवा को समर्पित हैं। तकरीबन 10 साल इन्होंने नीलगढ़ी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी और पिछले 17 सालों से करनाल के सामान्य अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तकरीबन दर्जन भर से कई अधिक गांवों के अंदर निःशुल्क कैंप लगाकर ऐसे लोगों के बीच जाते हैं जो लोग सामान्य अस्पताल के अंदर आने में सक्षम नहीं और उन्हें दवाई की आवश्यकता है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर विनोद कमल, जिला नागरिक अस्पताल करनाल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ और पिछले लगभग 27 वर्षों से मैं करनाल के क्षेत्र नीलोखड़ी और करनाल से जुड़े हुए लोगों से समय समय पर विशेष बीमारियों के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाता रहा हूँ और निःशुल्क कैंप्स का भी आयोजन करता आ रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग अस्पताल तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं, उनको वहीं पे जाकर, उनके गांव में जाकर, उनके घर तक पहुँचकर उनको बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए और जहाँ तक संभव हो सके उनको वहाँ पे निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाए। आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा वर्ग हों, महिलाएं हों, ये किसी न किसी रूप से हड्डी रोग से ग्रस्त हैं। किसी को सर्वाइकल की समस्या है, किसी को कमर दर्द की समस्या है, किसी को टांगों के दर्द की समस्या है। इनमें से एक बीमारी के बारे में मैंने पढ़ा था जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सर, आखिर में ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या एक हड्डी रोग है जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये अधिकतर 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाया जाता है और ख़ासकर पुरुषों की बजाय महिलाओं में 4 गुना ज़्यादा यह रोग पाया जाता है।
और इस तरह के रोग से जो पीड़ित लोग हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। और अगर इस बीमारी की ओर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे उनकी जो दैनिक दिनचर्या है और उसमें चलने और फिरने में भी वो असमर्थ होने लगते हैं। इनका ये कहना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो 40 वर्ष से अधिक लोगों में अधिकतर पाई जाती है और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना अधिक पाई जाती है। अगर इस तरफ ध्यान ना दिया जाए तो वो उनकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है और वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। मैं इनसे एक बात जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इसका कारण क्या होता है डॉक्टर साहब? ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम की कमी के वजह से इस बीमारी में हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो इसके पीछे बहुत से कारण है। जैसे कि महिलाओं में अक्सर क्या है कि 40 वर्ष के बाद मेनोपॉज, जो मासिक धर्म का जो चक्कर है, वो स्टॉप हो जाता है, जिस दौरान हार्मोन्स संबंधित जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं के अंदर इस तरह का रोग उत्पन्न होने लगता है। और इसी प्रकार जो लोग पोषण रहित आहार ले रहे हैं उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और इसके पीछे अन्य कारणों में अनुवांशिकता यानी कि इनफर्टिलिटी भी एक कारण है, और साथ के साथ पुरुषों के अंदर इन कारणों के साथ साथ जो पुरुष मदिरापान करते हैं या धूम्रपान करते हैं वह भी एक इस बीमारी का पुरुषों के अंदर कारण है। इन्होंने हमें बताया कि इस बीमारी का सबसे महिलाओं में मुख्य कारण है उनके हार्मोनल चेंजेस का मुख्य कारण बन सकता है। इसके अलावा जो पुरुष मदिरापान या धूम्रपान या ड्रिंक या फिर स्मोक करते हैं उनके अंदर भी एक कारण हो सकते हैं। सर, इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑस्टियोपोरोसिस से जो पीड़ित लोग हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, खोखली होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है और चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगते हैं, तो यही उसके मुख्य लक्षण हैं। तो सर, इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? इस बीमारी से बचने के लिए क्या कि हमें जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करने के लिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम प्राप्त हो सके, जैसे कि दूध का सेवन करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि हमें संतुलित आहार भी लेना चाहिए, यानी कि क्योंकि संतुलित आहार अगर लेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और साथ ही मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि जो विटामिन डी है वो बहुत ही ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यह शरीर के अंदर कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है, यानी कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को काम करता है। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जो लोग मांसाहारी हैं वो वसायुक्त मछली का सेवन कर सकते हैं, अंडे का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन डी की मात्रा काफ़ी मात्रा में हो जाती है। और विटामिन डी एक नेचुरल सोर्स है, जो सूर्य का प्रकाश है इससे भी विटामिन डी की मात्रा शरीर को मिलती है। इन्होंने हमें बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करने के लिए, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 40 वर्ष की उम्र के बाद आपके टांगों में दर्द है या आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हैं। इसके लिए आपको संतुलित आहार के साथ साथ डॉक्टरों का परामर्श भी लेना होगा। सर, इसके अलावा मैंने युवा वर्ग में देखा कि युवा वर्ग कमर दर्द सर्वाइकल से ज़्यादा ग्रस्त पाया जा रहा है, तो सर इसके पीछे मुख्य क्या कारण है और युवा वर्ग से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आज की दिनचर्या में कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, सिटिंग वर्क ज़्यादा हो गया, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? खासकर युवा वर्ग से तो मैं यही अपील करूँगा कि वो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करें, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती हैं। जब मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो वो
मजबूती की वजह से हमारी हड्डियों में या जो मांसपेशियों में दर्द की संभावना कम हो जाती है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, आप पिछले कई सालों से लगातार करनाल क्षेत्र के गांवों के अंदर जाकर निःशुल्क कैंपों का आयोजन करते हैं जिसमें आप निःशुल्क परामर्श के साथ साथ दवाइयाँ भी वितरित करते हैं, आखिर ऐसी समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? इस तरह की जो प्रेरणा है मेरे को, पहले तो मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद रहा है उनकी तरफ से मुझे ये प्रेरणा मिली है। साथ ही साथ जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनसे प्रेरणा मिलती है कि समाज के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैंने महसूस किया कि जो अस्पताल तक भी आने में सक्षम नहीं है, तो उनको उनकी जांच करने के लिए या उनको सेवा प्रदान करने के लिए मैंने जब महसूस किया तो इस वजह से मैंने लोगों के बीच में जाना, इस कार्य के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने का सोचा, जो कि मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोगों के आशीर्वाद से मैं इस तरह के कार्य से जुड़ा रहूँगा। सर मैंने अक्सर ये देखा है कि कुछ डॉक्टर्स अपना फ़ोन नंबर भी देने से एतराज़ करते हैं मरीजों को, लेकिन आपका फ़ोन नंबर तो सार्वजनिक है, आपका कहना ये भी है और हमने लोगों के मुंह से भी सुना है, लोगों का कहना है कि आप डॉक्टर साहब को दिन में फ़ोन करो, रात को फ़ोन करो, वो आपको परामर्श भी देंगे और इवन कि आपकी जाँच भी करेंगे, क्या ये सत्य है सर? मैं हमेशा अपनी ओपीडी में अवेलेबल रहता हूँ अस्पताल में, तो फिर भी अगर कोई मुझसे कोई परामर्श लेना चाहता है तो वो मेरे जो ओपीडी टाइमिंग्स है 8 से 2 बजे तक हैं, उस दौरान कोई भी आके भी अपने निशुल्क जांच करवा सकता है और फिर टेलीफोनिकली कोई अगर उस दौरान कोई मेरे से परामर्श लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि भाई जो भी मैं सेवा कर सकूं कर रहा हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये थे डॉक्टर विनोद कमल, जिन्होंने हमारे साथ एक गंभीर बीमारी का साझा किया, उनके लक्षण उनका उपचार तक हमें बताया। इसके अलावा ये एक नेक दिल डॉक्टर हैं जो 24 घंटे 24x7 लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनका नंबर तक सार्वजनिक है, जहां बाकी डॉक्टर्स अपना नंबर मरीजों को देने से एतराज़ करते हैं, इनका नंबर सार्वजनिक है। कोई भी सज्जन आवश्यकता पड़ने पर इनसे फ़ोन पर संपर्क साधकर इनसे निःशुल्क परामर्श भी ले सकता है और उपचार का तरीका भी ले सकता है। तो हम भी समाचार एक्सप्रेस टीम की तरफ से ऐसे नेक दिल डॉक्टर को सलाम करते हैं। मैं तरुण मदन, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.